हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं बेसन के गट्टे की सब्जी। तो हम रखते हैं थोड़ा पानी गर्म करने गट्टों को वन के लिए। रख देते हैं ढक के पानी गर्म में। अब करते हैं गट्टे की तैयारी। अब डालते हैं गट्टों को पानी में उबालने के लिए। देखिए मैं पानी गर्म हो चुका है, डालेंगे पानी में उबलने के लिए। अब इन्हें अच्छे से बॉईल उबालेंगे। हम चला देते हैं और चूल्हे में पहले रख देते हैं बॉईल होने के लिए। अब जलाते हैं और बॉईल से। देखते हैं कि हमारे गट्टे उबल गए क्या। ओके तो हम देखें तो फ्रेंड देखिए हमारे गट्टे बॉईल हो चुके हैं अच्छे से। अब ये निकाल लेते हैं पानी में। माय गॉड दिक्कत कर रहा है। फिर गया तो हम पानी को फेंक देते हैं। देखिए हमारे गट्टे बहुत तेज गर्म हैं। तो देखिए हमारे गट्टे उबल कर रहे हैं। अब इन्हें पानी को फेंक देते हैं। तो हमने कढ़ाई रख दी है। तो हम सब्जी को मसाला तैयार करते हैं ग्रेवी। फिर बाद में गट्टों को हैं, पहले बनाते हैं ग्रेवी। मुझे अब डालेंगे ऑयल और थोड़ा पानी ले लेते हैं। कोई बात नहीं, क्या दिया तो हमने डाल दिया है। हम बनाते हैं देसी तेल में मस्टर्ड ऑयल। तो हम डाल तेल गर्म होने का इंतजार करते हैं। तो देखिए हमने ये सब टमाटर मटर प्याज हुआ जो लहसुन हरी मिर्ची नहीं थी हमारे पास। तो हमने ये सूखी मिर्ची काटी है, हरी मिर्ची लाल मिर्ची थी वो काट लेते। तो अब हमारे देखिए तेल गर्म होने लगा है। अब डालेंगे इसमें जीरा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब डालेंगे जीरा सूखी मिर्ची है। हरी मिर्ची सूखी हुई लाल के लिए डालेंगे लहसुन। डालेंगे प्याज। अब डालेंगे चीनी का। टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छे से टमाटर अच्छे से भून गए। डालेंगे थोड़ी सी नमक जिस पर टमाटर अच्छे से गल जाए। ग्रेवी
सब्जी बन जाए। डालेंगे तो हो जाएंगे तो सारे आपके से ज़्यादा तो पीस लेना। बहुत गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत हार्ड है। यह सब सब्जी मसाला, यह हल्दी स्वाद अनुसार, यह है धनिया मसाला, यह है रेड चिली पाउडर मतलब मिर्ची, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा ऊपर डाल देना। डालने के बाद और अच्छे से भूनना सारे मसाले। दोस्तों तो गर्मी में चूल्हे पर आपको रेसिपी सब्जी बना के दिखा रहे हैं, आप रेस चाहिए आपको पता कितनी गर्मी लगे हमें पता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए बस थोड़ी सी मेहनत है। जो सफल हो गई तो मेरा जीवन बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा पानी डालेंगे मसाले को भरने के लिए। तो मसाले को अच्छे से भूनेंगे जिससे हमारा ऑयल जो है इसमें ऊपर आ जाए। तो पानी डाल डालकर मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को भुने होते हैं और पाटते हैं गट्टे को, फिर हमें तैयार करेंगे। मसाले को भुने देते हैं, अब चलते हैं गट्टे जो हमने तैयार करे थे उन्हें काटते हैं। चलिए चलिए अब गट्टों को कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे गट्टे कुछ इस तरह से बने हैं। इधर हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। ऐसे हम सारे गट्टे को काट लिए फ्रेंड्स के लिए। हमारे गर्मी लग रही चूल्हे को ले रहे हैं, क्योंकि आपको आप हमसे तोड़ने का भी नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं हमें कुछ सपोर्ट करें, इसलिए हम धूप में मेहनत कर रहे हैं चूल्हे को। तो प्लीज सपोर्ट करना हमें, इसके साथ अपने वालों को सपोर्ट कराते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना। देखिए हमारे गट्टे कुछ ऐसे बने हैं, मतलब तो हमने उबाले थे गट्टे इस तरह से तैयार हुए हैं उबल के। अब हमारे घर ग्रेवी बनी है, हम इसे ग्रेवी में डालें और फिर हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से डालना, सूखा बनाना चाहते हैं ऐसी बनाना ग्रेवी में, अगर आपको पतला बनाना है तो आप पानी डाल लेना। तो देखिए हमारे ग्रेवी में तेल छोड़ना शुरू करते हैं, मैं कट्टे कट कर रहे हैं इधर कुछ मैं भी मैं तेल छोड़ दिया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा डालेंगे हम जो पाउडर, कोई दही नहीं है तो हमारे थोड़ी सी खटास आ गए इसमें। कट्टे में तो देखिए मसाले तेल छोड़ना शुरू करते हैं। अब डालते हैं इसमें अपने गट्टे, तो फ्रेंड देखिए हमारे गट्टे बनकर रेडी हैं। अब नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो हमने थोड़ी देर बनने में डाल दिए मसाले, भुने टमाटर भुने डाल दिए, तो शायद हमें नमक सही हो सकती है, आप डालना चाहो तो डालेंगे। हमने अगर कम लगे तो हम बाद में अपने चेक करके डाल लेंगे, जिससे ज़्यादा ना हो। तो फ्रेंड्स आपके पास धनिया हो तो आप धनिया से गार्निश कर देना। और देखिए हमारे गट्टे की सब्जी बनकर रेडी है, बस आप उसे ढककर थोड़ा सा ढक कर लीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स हमारे गत्ते बनकर रेडी है। तो हम थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, गर्म मसाला। अब इसे ढककर देते हैं, मसाले को पकड़ देते हैं। तो मैं सब्जी बनकर रेडी है। आप पतला करना चाहते हैं तो सब्जी को पानी डाल दें और सब्जी आपके हिसाब से बनकर रेडी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपको हमारी कैसी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी देखते हैं कैसी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सब्जी का कुछ कलर ऐसा आया है। देखिए हमारी सब्जी गट्टे की सब्जी बनकर रेडी है। तो प्लीज़ हम आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। आप इसे धनिया भी डालकर गार्निश कर सकते हैं। हमारे धनिया नहीं है तो हम तो देखिए फ्रेंड्स हमारे गट्टे की सब्जी बनकर रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो हम आपको ये कर देते हैं क्योंकि हमारी सब्जी बनकर रेडी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी गट्टे की सब्जी बनकर रेडी है। देखिए कितनी प्यारी मस्त कलर आया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके लिए फिर से न्यू रेसिपी लेकर आएंगे। इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स हमारी गट्टे की सब्जी बनकर रेडी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें टेस्टी सब्जी खाने के लिए। आपका कान आपको टेस्टी सब्जी खानी तो प्लीज़ आने करो। बाय बाय।